हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ और साथ ही रश्मि देसाई ने दिल से दिल तक सीरियल में काम किया था। दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन इस जोड़ी की कभी बनी नहीं। कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में रहे थे और उसी दौरान दोनों के बीच बहुत खटपट हुई थी। रश्मि देसाई ये सारी चीज़ों को वहाँ पर भी जिक्र करती हुई नजर आई थी जब बिग बॉस 13 में आई थी। हालाँकि कभी खुलकर नहीं बोले सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन रश्मि को पसंद नहीं करते थे। और रश्मि को जब वो पसंद नहीं करते थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्ती करवाने की, लेकिन नहीं बात बनी। सुधा शुक्ला ना पास्ट के बारे में बात करना चाहते थे, ना ही रश्मि के बारे में। वल घर में आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, वो भी हम सब ने देखा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि रश्मि और सिद्धार्थ का है। उस वीडियो में दोनों झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो बिग बॉस 13 का है। जी हाँ, बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और साथ ही रश्मि देसाई के कितने झगड़े हुए हैं ये बात हम सब भी जानते हैं। सलमान खान भी फट पड़े थे जब दोनों का झगड़ा हुआ था, जब रश्मि ने सिद्धार्थ पर चाय फेंक दी थी। और इसी चीज़ को लेकर वीकेंड के वार में बहुत बवाल हुआ था। ये झगड़ा भी वीकेंड के वार में हुआ था, जहाँ पर सिद्धार्थ ने ऐसी लड़की वर्ड यूज़ किया था और जिसे लेकर रश्मि देसाई ने काफ़ी बवंडर खड़ा किया था। वेल, अब यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को के फैंस रश्मि देसाई को काफ़ी कुछ कह रहे हैं। दरअसल रश्मि देसाई ने एक झगड़े में उनसे ये कहा था कि अगर तू मर भी रहा होगा तो तुझे पानी के लिए नहीं पूछूंगी। जी हाँ, ये बात रश्मि देसाई ने वहाँ पर कही थी कि अगर झगड़ा भी अगर तू मर भी रहा होगा तो भी मैं तुझे पानी के लिए नहीं पूछूंगी। और कहीं ना कहीं रश्मि देसाई की वो बद्दुआ जो थी वो सच हो गई है। हालांकि रश्मि देसाई सिद्धार्थ के घर भी पहुंची, घाट भी पहुंची, हॉस्पिटल भी पहुंची, लेकिन फैंस कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, शब्दों को तोड़ लिया कीजिए, क्योंकि बातें कब कैसे सच हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आज लोग कह रहे हैं कि रश्मि की बद्दुआ की वजह से आज ऐसा हो गया।